अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। बदलते मौसम के साथ नज़ला होना, खांसी रहना, नाक बंद रहना, गला बंद रहना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और कुछ लोगों की पूरी सर्दियाँ ऐसे गुजर जाती हैं कि उनकी नाक बंद है, उनका गला बंद है। तो उसके लिए कुछ न्यूट्रासूटिकल्स मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव न्यूट्रासूटिकल है जिंजर हनी टी, जो कि सदियों से इस्तेमाल भी होता आ रहा है। हिकमत में भी इसका जिक्र आता है, न्यूट्रिशन में भी इसके प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं। करना क्या है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा पानी में उबाल कर उसको आपने 1 कप में डाल के फिर 1 चाय का चम्मच खालिस शहद, देसी शहद उसमें शामिल करना है। मिलावट वाला या जिस पे आपको खुद शक हो कि पता नहीं सही है कि नहीं, वो वाला शहद शामिल नहीं करना। 1 टीस्पून हनी डालना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा पानी में उबालने के बाद। उसमें हनी को आपने पानी में उबाल कर नहीं लेना, इसके फवायद ज़ाया हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। जिंजर हनी टी का इस्तेमाल शुगर के अलावा बाकी हर पेशेंट कर सकता है। इवन अगर आप वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं तो भी जिंजर हनी टी नुकसान नहीं देती, अगर आप उसके साथ कैलोरीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। बच्चों को इसका इस्तेमाल ज़रूर कराएं, बड़ों को इसका इस्तेमाल ज़रूर कराएं, और ख़ुद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे आप जॉब पर जाते हैं, सुबह उठ के नाश्ते का टाइम भी मुश्किल से होता है, तो आप इसको नाश्ते के साथ ले सकते हैं। जैसे ब्रान ब्रेड का स्लाइस अंडा और साथ में जिंजर हनी टी, ऑफिस जाके दूसरी चाय पीने है, जो हमारी देसी चाय होती है, ऑफिस जाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस बंदे को हनी से एलर्जी है, वो 1 इंच अदरक का टुकड़ा उबालने के बाद उसमें 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल दें या उसमें 1 या 2 कतरे लीमू निचोड़ के उसका इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को लीमू से भी एलर्जी होती है, तो उस केस में आप फिर शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक वहीं का वहीं रहेगा, उसको वैसे ही इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वो है क्लॉन्जी। क्लॉन्जी का इस्तेमाल जैसा कि हम जानते हैं हिकमत में भी आया है और सुन्नत नबवी भी है। जब बात सुन्नत की आ जाती है तो इसके आगे तो फिर हम कोई बात कर भी नहीं सकते। क्लॉन्जी में हर चीज़ की शफा है सवाए मौत के। 7 दाने क्लॉन्जी चबा कर दिन में किसी भी टाइम लें। सबसे बेहतर है कि सुबह जिंजर हनी टी के साथ ही 7 दाने क्लॉन्जी के मुँह में रख के चबा कर लेना है। अगर आप निकलना चाहें निकल सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी अफादियत नहीं है जितना चबा के क्लॉन्जी को लेने की अफादियत है। हाँ, अगर आपकी टॉलरेंस अच्छी है तो आप 7 से 11 दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी होती है, चबाते हुए पता भी नहीं चलता। तो दूसरी चीज़ जो कि वायरल से आपको बचाए कि वो है क्लॉन्जी। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है हल्दी का दूध बना के, हल्दी दूध जिसे गोल्डन मिल्क कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाए। बेड टाइम पे 1 कप नीम गरम दूध के अंदर आपने, नीम गरम ना करें, 1 कप गरम दूध के अंदर आपने 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच शहद डालकर लेना है। जो हल्दी और काली मिर्च है उसको आप एक उबाला दिलवाएंगे, जो शहद है उसको उबाला नहीं दिलवाना। पूरा कप तैयार करके हल्दी दूध का एंड पे उसमें शहद शामिल करना है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो हल्दी दूध का इस्तेमाल 4 से 5 बजे के करीब करेंगे और शहद नहीं डालना फिर उस केस में उसके अंदर। काली मिर्च क्यों ज़रूरी है, क्योंकि काली मिर्च हल्दी की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। कर्क्यूमिन काली मिर्च के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होता। बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि हल्दी दूध के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी शामिल की जाए, और शहद जो है उसके फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप शहद निकाल के उसमें दालचीनी डाल सकते हैं, और इस केस में दालचीनी जो है वो उबाल कर भी ली जा सकती है। यानी आपने हल्दी 1 चुटकी डाली, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, इसको 1 कप दूध में उबाल कर उसको कप में स्ट्रेन करके आपने पी लेना है। अगली चीज़ जो बहुत अच्छी है वायरल्स के लिए वो है विटामिन सी। अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम ही ऐसा रखा है कि जैसे ही मौसम बदलता है जिन चीज़ों ने हमें बचाना होता है वो भी साथ ही आ जाती है। यानी कि ये जो किन्नू, मौसमी, माल्टा वगैरह, ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल, अगर आपको वायरल ज़्यादा होते हैं तो आपने फ्रूट का इस्तेमाल, जो मौसमी फल हैं, जो सीज़न के फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करना है। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। फिर अगली चीज़ आती है विटामिन डी। बहुत सारे लोग विटामिन डी का इंटेक नहीं कर रहे होते, हालांकि हम बताते रहते हैं कि विटामिन डी की कमी पाकिस्तान में हर एक को है। विटामिन डी का सिंपल टेस्ट है, जो आप किसी भी लैब से जाके सीरम विटामिन डी टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप वो नहीं कराना चाहते तो आप विटामिन डी किसी भी अपने करीबी इंटरनल मेडिसिन से लिखवा लें, वो आपको इस बारे में बेहतर गाइड कर देगा। बेहतर तो यही है कि आप टेस्ट कराएं, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं भी कराना चाहते तो आपको आप डॉक्टर से मिलके आप
प्रिस्क्राइब करा लें विटामिन डी। विटामिन डी की कमी भी बहुत केसेस में कुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पूरी सर्दियां वायरल्स रहते हैं। फिर है जिंक का इस्तेमाल। अपनी डाइट के अंदर फ़िश का, नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। वही बात कि जैसे ही कोई मौसमी बीमारी आती है, अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि उसके अगेंस्ट जो डाइट है वो भी ऐसी आ जाती है जो आपको हेल्प करे। तो नट्स का और फ़िश का इस्तेमाल आपने सर्दियों में ज़्यादा रखना है। शुक्रिया।